हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, नीट 2024 के क्रैश कोर्स में फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स किसी भी एग्जाम में फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इन्हें कंप्लीट करने से हमें डेफिनेटली 2 और 3 क्वेश्चन का ईज मिलता है, 2 और 3 क्वेश्चन का एक्सेस मिलता है। तो आज हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आप भी यदि इसे जल्दी से कंप्लीट करना चाहते हैं, यदि रिकॉर्डेड वीडियो को आप देखते हैं तो आप इसे 1.25x या 1.50x में देखेंगे तो आपको और बेटर एक्सपीरियंस रहेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा वीडियो के लिए, क्योंकि वैसे ही अभी लास्ट टाइम है तो इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए कम टाइम में ही वीडियो को देखना चाहिए। देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसा आपको पता है, रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये रे इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस पर और रिफ्लेक्ट होकर आर एंगल बनाते हुए नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर लॉज क्या है। एक लॉ ये है कि आई इक्वल टू आर। ठीक है, आई इक्वल टू आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और दूसरा लॉ क्या है कि ये तीनों लाइनें यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स है जो आपको देख लेने चाहिए, जैसे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये आप इक्वेशन याद रख सकते हैं, आर कैप इक्वल टू ई कैप माइनस टू ई कैप डॉट एन कैप इन टू एन कैप। यहाँ पे ई कैप क्या है, इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर है, आर कैप है रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट कर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर। एक और बात ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन में जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है तो उस सिचुएशन में फ्रिक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ ये चेंज नहीं होती, केवल इंटेंसिटी थोड़ा डिक्रीज हो जाता है क्योंकि सरफेस लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे हम लोग, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे एक्चुअल में लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, निकल रही है, उस पॉइंट को कहा जाता है रियल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां पर लाइट रे एक्चुअल में कन्वर्ज होती नहीं है, कन्वर्ज होती हुई अपीयर होती है, उस पॉइंट को कहा जाता है वर्चुअल। ठीक है, इमेज क्या होती है, इमेज बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा लाइट रेज रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट करती है या फिर मीट करती हुई अपीयर होती है तो इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए एक्चुअली इमेज इज डिसाइडेड बाय द रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे ओनली। द पॉइंट इमेज फॉर अ मिरर इज दैट पॉइंट टुवर्ड्स विच द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर और एक्चुअली कन्वर्ज और फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी डाइवर्ज। ठीक है, यानी कि रियल इमेज के केस में कन्वर्ज होंगी एक्चुअल में और वर्चुअल इमेज के केस में डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्लेन मिरर पर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। ठीक है, और फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज वर्चुअल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रियल होता है। मतलब यदि रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज वर्चुअल रहेगी प्लेन मिरर पर और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगा। ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट रे इफ मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल टू थीटा। ध्यान रखिएगा, यदि कोई रे कोई इंसिडेंट रे फिक्स्ड है और आपने यदि प्लेन मिरर को रोटेट करा थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट कर जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। तो ध्यान रखना कि यदि दो प्लेन मिरर इस तरह से इंक्लाइन है थीटा एंगल पर, ठीक है, और उनके इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास करती है इस पर यदि कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होते हैं उसका फॉर्मूला है। अपने को क्या करके देखना है, 360 को थीटा से डिवाइड करके देखना है। यदि 360 बाय थीटा क्या आ जाए, इवन, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी
360 बाय थीटा माइनस वन, ठीक है। और यदि m की वैल्यू ओड है, m की वैल्यू ओड है तो नंबर ऑफ इमेजेज हो जाएंगे 360 बाय थीटा यानी कि m के इक्वल, ठीक है। और यदि ऑब्जेक्ट नॉट ऑन बाइसेक्टर, ध्यान रखना है यदि बाइसेक्टर पर है तब तो क्या, बाइसेक्टर पर है जब तो नंबर ऑफ इमेजेज हो जाएंगे ओड के सिचुएशन में 360 बाय थीटा के बराबर। लेकिन यदि बाइसेक्टर पर नहीं है, एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेज हो जाएंगे 360 बाय थीटा माइनस वन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, जैसे मैं एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं। देखो यदि मान लो ये दो प्लेन मिरर्स हैं, दो प्लेन मिरर हैं, यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेज कितनी बनेंगी, तो आपको 360 अपॉन एंगल कितना है 90 डिवाइड करके देखना है, दैट्स इट, ये आ जाएगा आपके पास 4, तो इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेज हो जाएंगी 4 माइनस 1 यानी कि 3। ओड आने के, यदि ये जो 360 बाय थीटा ओड आने के केस में हमें देखना पड़ेगा सिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक यानी कि एंगल बाय सेक्टर पर है, एसिमेट्रिक है मतलब कि एंगल बाय सेक्टर नहीं है, एंगल दोनों साइड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के दोनों साइड, मतलब एक्सिस ऑफ इंटरसेक्शन के दोनों साइड में एंगल इक्वल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेरिकल मिरर, प्लेन मिरर में एक और भी बात है ध्यान रखना आप लोग कि यदि आप कंप्लीट इमेज देखना चाहते हैं, यदि आप कंप्लीट इमेज देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का, तो आपको मिरर का साइज कितना चाहिए, ऑब्जेक्ट की हाइट का जस्ट हाफ। और यदि ऐसा है कि यहाँ वॉल पर मिरर है, ठीक है, और दूसरी वॉल पीछे की तरफ है, बीच में कहीं ऑब्जर्वर बैठा है, तो यदि वॉल की हाइट h है तो इस ऑब्जर्वर को पूरा वॉल इस मिरर के अंदर दिखाई दे, इसके लिए मिरर की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, h अपॉन 3 होनी चाहिए, क्लियर है, ओके। इसके अलावा प्लेन मिरर की एक खासियत है कि वो क्या करता है, लेटरल इन्वर्जन करता है, लेटरल इन्वर्जन मतलब कि यदि जो ऑब्जेक्ट का राइट है वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट बन जाता है, इसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। इसीलिए जो एम्बुलेंस है उसका एम्बुलेंस वर्ड का मिरर इमेज एम्बुलेंस के फ्रंट में लगा रहता है ताकि सामने वाला जो गाड़ी है उसका ड्राइवर अपने मिरर में देख सके कि पीछे जो गाड़ी है उसके उस पर पूरा वर्ड क्लियरली लिखा है एम्बुलेंस, सीधा मिरर इमेज लगी होती है लेकिन सामने जो मिरर है वो उसको वापस सीधा करके दिखा देता है, ठीक है, लेटरल इन्वर्जन वाले कंसेप्ट की वजह से। एक और पॉइंट ध्यान रखना प्लेन मिरर में कि यदि ये प्लेन मिरर है और ये रेस्ट पर है, प्लेन मिरर रेस्ट पे है और ऑब्जेक्ट ओ है जो कि यू स्पीड से मिरर की तरफ मूव करता है, तो क्योंकि इमेज बराबर डिस्टेंस पर बनती है, प्लेन मिरर के इक्वल डिस्टेंस पर बनती है, इसलिए यदि ऑब्जेक्ट यू स्पीड से मिरर की तरफ चल रहा है परपेंडिकुलर, तो इमेज भी मिरर की तरफ चलती हुई दिखेगी परपेंडिकुलर विद स्पीड यू। लेकिन ये जो यू स्पीड मिरर की होगी वो मिरर के रेस्पेक्ट में होगी, यू स्पीड जो इमेज की होगी वो मिरर के रेस्पेक्ट में होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट को ये कितना दिखाई देगी, टू यू, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में बस इतना से ध्यान रखना है डियर आपको कि यहाँ पे मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। मिरर फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, f होता है फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कोई स्पेरिकल सरफेस है, यदि आपको आप उसको कहीं से कट करते हैं और कट करने के बाद कोई एक साइड पर यदि पॉलिश करते हैं, तो यदि आउटवर्ड पॉलिश करते हैं तो कॉनकेव मिरर मिलता है और इनवर्ड पॉलिश करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर मिलता है, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर है इसका रियल फोकस पॉइंट होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट क्या होता है, वर्चुअल फोकस पॉइंट होता है, क्लियर। देखिए पैराएक्सियल रेज वो रेज होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब गिरती है और उसके लिए एंगल्स छोटे होते हैं। बात करते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, और मिरर के केस में लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, और मिरर के केस में इसका फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। ध्यान रखना h2 क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, h2 डिवाइड बाय h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और ये बोथ परपेंडिकुलर होती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ठीक, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन भी जिसे बोलते हैं, तो इसमें लिखा जाता है लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट m1 इज इक्वल्स टू माइनस mt स्क्वायर, यानी कि m लॉन्गिट्यूडिनल इक्वल्स टू माइनस ऑफ m ट्रांसवर्स स्क्वायर। बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है जो u स्पीड से मिरर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है जो u स्पीड से मिरर की तरफ मूव कर रहा है, क्लियर है। तो हमें ये देखना होता है कि जो प्लेन मिरर, ये जो मिरर है स्पेरिकल मिरर, इस पर इमेज जो है उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हमें क्या करना होता है, हम बस सिंपली इतना सा करते हैं, 1 upon v = 1 upon f और -1 upon u लिख सकते हैं, मिरर फॉर्मूला से लिखेंगे और इसे हम क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -1 upon v² एंड dv/dt, ठीक है, इक्वल्स टू 1 upon f, फोकल लेंथ कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा, और -1 upon u² तो आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और इनटू du/dt। ये du/dt क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और dv/dt क्या है, इमेज का स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो यहां से हमारे पास जो इमेज की स्पीड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा, देखिएगा, -v² / u² और ऑब्जेक्ट की स्पीड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये स्पीड ऑफ इमेज है। यहां पर आप देख लेना, देखिएगा यहां पे भी इसी प्रकार से लिखा है हमने, ये देखिए मिरर फॉर्मूला है 1 upon v, मिरर फॉर्मूला है 1 upon v प्लस 1 upon u = 1 upon f, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करा तो यहां से आ गया -1 upon v² dv/dt -1 upon u² du/dt, 1 upon f का डिफरेंशिएशन जीरो है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, v/u क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है उसका स्क्वायर, -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ये लिखा भी है। vim मतलब dv/dt यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, और vom मतलब du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ऑप्टिकल पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली पावर होता है 1 upon फोकल लेंथ, दैट्स इट। तो ये मिरर के केस में माइनस होता है, बस ये ध्यान रखना, पावर ऑफ मिरर होता है -1 upon f, ओके, -1 upon f, यानी कि जो कॉनकेव मिरर है जो कि कन्वर्जिंग होता है, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है लेकिन उसकी पावर जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो वो कब हो सकता है, जब हम पावर का फॉर्मूला क्या लिखें, -1 upon f, तो यदि -1 upon f में माइनस तो बाहर है ही, और -f लिखूंगा तो पावर क्या आएगी, +1 upon f, ठीक है ना। तो मिरर की पावर का फॉर्मूला क्या होता है, -1 upon f होता है। यहाँ पे आप कन्वर्जिंग मिरर के लिए f की वैल्यू -f लिखोगे तो यहाँ पर पावर जो है पॉजिटिव आएगी, कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव पावर होती है, डाइवर्जिंग के लिए पावर नेगेटिव होती है। चलिए लॉज ऑफ, अब देखो यहां तक तो ये मिरर की सिचुएशंस थी, मिरर के क्वेश्चंस थे। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लो आपको दे दी, मान लो कितना है 20 centimeter, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस है इनिशियली 30 centimeter, कॉनकेव मिरर है, ठीक, और आपसे पूछा जाए कि यदि ऑब्जेक्ट का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू मिरर कितना है, वो है 4 meter/s, और आपसे पूछे इमेज का स्पीड बताओ विद रेस्पेक्ट टू मिरर, तो आप क्या बताएंगे, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास फॉर्मूला है ही, आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू -v² / u² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो यहां से आप लिखेंगे माइनस वी का वैल्यू क्या है, साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही बन जाएगा। तो कॉनकेव मिरर के लिए वी और यू, वैसे इन जनरल वी और यू क्या रहता है, एक सिचुएशन को छोड़ दें तो वी और यू दोनों नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस
माइनस 30 स्क्वायर डिवाइड बाय 20 स्क्वायर, तो 30 बाय 20 होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 है, तो माइनस 9 बाय 4 इनटू 4 तो आ जाएगा माइनस 9 मीटर पर सेकंड। इस तरह से इजीली अपन निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन के लॉज क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है रिफ्रैक्शन क्या है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है और इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या आप ये भी कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। डायग्राम में आप देखिए कि ये जो लाइट है जब मीडियम वन से मीडियम टू में ट्रेवल कर रही है तो इसके पाथ से ये डेविएट हो गई, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज क्या क्या है, फर्स्ट लॉ यही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रे है जो दूसरे मीडियम में गई है इसे कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो जब कोई लाइट रे रिफ्रैक्ट होती है तो ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक लॉ और भी काम करता है, देखो जहां से लाइट आ रही है मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 और जहां लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, तो यहाँ हम एक लॉ लिखते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कॉन्स्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है जिसमें लाइट जा रही है, तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू जहां से लाइट आ रही है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इस प्रकार से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 लिखा जाता है, जिसे यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। स्नेल्स लॉ है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये रहा, देखिएगा अब यहां पर एक पॉइंट है जो आपको देख लेना चाहिए, पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वन सेकेंड, पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये बताता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि कोई मीडियम कितना रेयर है या फिर डेंसर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कितना है, तो जिस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है वो मीडियम डेंसर मीडियम कहलाता है, और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको क्या कहेंगे हम लोग, रेयर मीडियम कहेंगे। तो ध्यान रखना मीडियम की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेशियो ऑफ स्पीड होता है, रेशियो ऑफ स्पीड, किसका स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, टाइप बोलने की बजाय हम कह सकते हैं कि दो प्रकार, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फर्स्ट हम लिखे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू C अपॉन V। ये C क्या होता है, C होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और ये वैल्यू कितना है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, किस मीडियम की बात चल रही है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिखा है। क्लियर है, तो जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा तो आप ध्यान रखना
इसका मतलब है कि लाइट एयर से और उस मीडियम में एंटर कर रही है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लिख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, ओके। और म्यू की जो वैल्यू है, ओके, ध्यान रखना, म्यू का जो वैल्यू है वो कभी भी, म्यू का वैल्यू कभी भी देखिए, म्यू का वैल्यू कभी भी एक से छोटा नहीं होता, कभी भी एक से छोटा नहीं होता, हमेशा म्यू का वैल्यू एक के बराबर या एक से ग्रेटर होता है। तो देखिए, वन के इक्वल या वन से ग्रेटर होने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि देखिए, क्योंकि म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी है और सी हमेशा ग्रेटर देन वी रहता है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो क्योंकि सी हमेशा ज्यादा रहता है, इसीलिए म्यू कभी भी एक से छोटा नहीं होता, क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वी। तो सी कभी भी इसे कम नहीं होगा, इसलिए म्यू भी कभी एक से कम नहीं होता है, ठीक है। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और टर्म आती है, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में क्या आता है, जब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम एयर रहेगा या वैक्यूम, लेकिन रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखते समय एयर नहीं रहेगा, ओके, एक मीडियम, मतलब दोनों मीडियम एयर के अलावा रहेंगे, इस तरह से हम रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम जनरली यूज करते हैं। एयर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली एयर रहा तो फिर एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाता है। तो जैसे कि मान लो मीडियम वन है, मीडियम वन, और मीडियम वन से लाइट किधर एंटर कर रही है, इनटू मीडियम टू, ठीक है। तो जब लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में जाएगी तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका होगा, जहां लाइट जाती है, तो हम लिखेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू, जहां से लाइट आ रही है, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो म्यू वन टू, म्यू वन टू को किस तरह से लिखा जाता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। देखिए उसमें क्या था, सी अपॉन वी, एयर से आ रही थी और मीडियम में जा रही थी, तो इस बार मीडियम वन से मीडियम टू में आ रही है, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक। आप इसको एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर बस जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक। वेलोसिटी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा वन अपॉन लैम्डा। ये सब फॉर्मूला यूज होते हैं किसके, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के, हमें ध्यान रखने चाहिए, क्लियर, ओके। चलो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में जो नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो आप ध्यान रखना कि देख, एक होता है म्यू वन टू, एक होता है म्यू वन टू, वो होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन, और एक होता है म्यू टू वन, वो होता है म्यू वन अपॉन म्यू टू। यहां देखकर समझ में आता है कि म्यू वन टू को यदि म्यू टू वन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो मुझे मिलेगा क्या, वन। और इससे ये साबित होता है कि म्यू टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू वन टू, ये ध्यान रखना, म्यू टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू वन टू, क्लियर है। यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है होते हैं, ये मीडियम वन का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, ठीक है। देखिए क्या बोला मैंने, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू टू इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, क्लियर। अब जैसे मान लो कि कोई लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में, टू से थ्री में, थ्री से वापस वन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे म्यू वन टू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, इसी तरह यहां लिखेंगे म्यू टू थ्री इक्वल टू म्यू थ्री अपॉन म्यू टू, इसी तरह से वापस लिखेंगे म्यू वन थ्री
तो आएगा म्यू वन अपॉन म्यू थ्री। यदि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो कितना आएगा, देखो यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो म्यू टू से म्यू टू कट जाएगा, म्यू वन से म्यू वन कट जाएगा, म्यू थ्री से म्यू थ्री कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा वन के बराबर। ठीक है, इनको आपस में इंटरचेंज भी किया जा सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आप देखना, डेविएशन ऑफ रे, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है वो भी सुन लेना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बेटा, देख ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये इंसिडेंट रे है, इसका डायरेक्शन ये रहा, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना है ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये एंगल है आई, यहां से यहां तक कितना है, ये एंगल है आई, तो ये पूरा एंगल आई है। लेकिन यदि रे नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, जो कि रेयर से डेंसर में जाते समय होता है, तो हमेशा आई ग्रेटर देन आई, आई ग्रेटर देन आर होगा, और उस सिचुएशन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, आई माइनस आर। लेकिन जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो कि लाइट लाइट डेंसर से रेयर में ट्रेवल करे, तो आई जो है वो क्या रहेगा, कम, और आर क्या होगा, ज्यादा, उस सिचुएशन में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, वो होगा आर माइनस आई। ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल स्लैब। तो देख लो कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है पैरेलल स्लैब पर। देखिए डियर, जैसे मान लो कि यहां पर ये रे इंसिडेंट हो रही है यहां पर, ठीक है, आई एंगल, आई एंगल पर इंसिडेंट हुई है, आई एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक, और यहां पर ये रिफ्रैक्ट हो गई आर एंगल के साथ। ठीक, अब इस पॉइंट से, पॉइंट सी से, यानी कि दूसरे फेस से ये रे वापस इमर्ज हो रही है, तो यहां मान लो एंगल बनाया इसने ई, तो हमेशा ध्यान रखना है पैरेलल स्लैब के लिए, पैरेलल स्लैब के लिए एंगल आई और एंगल ई आपस में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल ई बराबर रहते हैं फर्स्ट, और यहां से इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे। ठीक, और इधर एक टर्म है लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, तो आप देखेंगे कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को कहा जाता है लेटरल शिफ्ट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे। ठीक, यहां पर देखिए लेटरल शिफ्ट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी का एक फॉर्मूला बनता है, यदि मान लो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इस स्लैब की थिकनेस टी है, तो लेटरल शिफ्ट का एक फॉर्मूला बनता है डी इज इक्वल टू टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू। ठीक है, डी इक्वल टू टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू। यदि मोर देन वन ग्लास स्लैब होती है तो जो लेटरल शिफ्ट है वो एड होता चला जाता है। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे बात को। देखिए अब लेटरल शिफ्ट का एक और भी फॉर्मूला होता है जो हमने लिखा उसके अलावा, ये रहा टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर, जहां पे टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, और इमर्जेंट रे विल नॉट बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे इफ द मीडियम ऑन बोथ द साइड्स आर डिफरेंट। देखिए जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल ग्लास स्लैब के केस में तभी पैरेलल होती हैं जब दोनों साइड में मीडियम सेम है, ये ग्लास स्लैब के बोथ साइड मीडियम सेम है। यदि मीडियम सेम नहीं रहेगा तो फिर ये रे भी पैरेलल नहीं होंगी। लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखना टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कोस आर। ठीक है, ये आई और आर किधर है तो आप देख सकते हैं एक बार डायग्राम को वापस से, आई और आर ये रहे, देखो आई कहाँ है, आई ये वाला एंगल है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई क्या है एंगल ऑफ इमर्जेंस, आर ये वाले फर्स्ट एंड पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
अपरेंट डेप्थ ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, अपरेंट डेप्थ देखना, अपरेंट डेप्थ क्या चीज होती है कि जब जब मान लो जैसे कि ये कंटेनर है, ठीक है, और ये लिक्विड से भरा हुआ है, इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, मान लो h1 डेप्थ पर है, डेप्थ फ्री सरफेस से मेजर होता है, h1 डेप्थ पर है, ठीक है, जैसे इसमें भी है h डेप्थ पर है, ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेंगी तो वो लाइट रे इस इंटरफेस पर क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट होने की वजह से इमेज ऊपर बनेगा और उसकी वजह से जो एग्जैक्ट डेप्थ है वो दिखने की बजाय कोई नई डेप्थ दिखाई देगी एच डैश, ठीक है, इसी एच डैश को क्या कहा जाता है, अपरेंट डेप्थ कहा जाता है। ध्यान रखना यदि ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, यदि ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ठीक, तो हमेशा हमेशा एच डैश क्या रहेगा, एच डैश इज लेस देन एच, अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम रहेगी, ठीक, इनके बीच आपस में एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ एच अपॉन एच डैश, ध्यान रखिएगा। और अपरेंट शिफ्ट एक फॉर्मूला है, अपरेंट यानी कि नॉर्मल शिफ्ट भी बोलते हैं, तो यदि यदि रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ को मैं माइनस कर दूंगा तो अपरेंट शिफ्ट आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला वही है टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू, क्लियर, ओके। इसमें दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि यदि ऑब्जर्वर किधर हो, यदि ऑब्जर्वर किधर हो, ऑब्जर्वर हो मान लो डेंसर में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट किधर हो, रेरर मीडियम में, उस सिचुएशन में जो हाइट है एच डैश वो ज्यादा हो जाएगा और रियल हाइट जो है वो कम रहेगा, ठीक है। इसीलिए यदि आप मछली को देखते हैं, पानी के अंदर मछली को देखते हैं, तो मछली आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, लेकिन मछली यदि आपको देखेगी, फिश यदि आपको देखती है, तो आपकी हाइट जो है वो कैसी दिखेगी, मछली फिश को ज्यादा दिखाई देगी, ठीक। जब हम देखते हैं एरोप्लेन की, तो क्या होता है कि जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे मीडियम की डेंसिटी उतनी ही कम होती जाती है, तो क्योंकि हाइट पर डेंसिटी कम है, उधर रेरर मीडियम में हम जहां पर बैठे वहां पर डेंसर मीडियम है, तो हम डेंसर में बैठकर रेरर में देख रहे हैं, तो एक्चुअल में जो हाइट है वो बढ़ी हुई दिखेगी, यानी कि हम जब देखते हैं तो हमें एरोप्लेन जितनी हाइट पर दिखाई दे रहा है एक्चुअल में उससे कम हाइट पर होता है, और ये ज्यादा हाइट पर क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए, इसमें एक टर्म है, ये भी देख लेना बेटा, यदि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ भी बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, यदि यहां से इस प्रकार से मूव करके हम रे निकलती है बाहर, तो ये रे का जो इमेज है वो यहाँ पर अपने को दिखाई देगा, यानी कि इसे कहेंगे हम लेटरल शिफ्ट, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, म्यू इंटू वन माइनस वन अपॉन सॉरी टी इंटू वन माइनस वन अपॉन म्यू, ये ध्यान रखना, ये क्या होता है लेटरल अपरेंट शिफ्ट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अपरेंट शिफ्ट। अब आ जाता है टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देख टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट तो कंडीशन ये है कि जो रे है वो किधर जानी चाहिए, डेंसर ऑब्जेक्ट से किधर जानी चाहिए, रेरर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये मान लो एस कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फर्स्ट रे निकल कर जा रही है, तो ये क्या आर एंगल पर क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, आर यहाँ पर क्या है लेस देन 90 है, आर क्या है लेस देन 90 है, लेकिन यदि मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया जाए, कहाँ तक बढ़ा दिया जाए, सी एंगल तक, तो आप देख रहे हैं कि ये वाली जो रे है इंटरफेस को छूने लग गई, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये ग्रेजिंग वाला कंडीशन है, ग्रेज कर रही है रे, मतलब इंटरफेस को छूकर निकल रही है, ठीक है। और यदि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर देते हैं तो रे वापस डेंसर मीडियम में लौट आ जाती है, मतलब डेंसर मीडियम में ट्रैप हो जाती है। आप देखेंगे कि जो ये वाला एंड है, ये वाला जो एंड है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और कुछ इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है,
यहाँ पर ग्रेजिंग वाले केस में भी रिफ्लेक्शन भी है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है, लेकिन इस पॉइंट पर जब आई आईसी से बड़ा है यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो रेडर मीडियम में रे गई ही नहीं है, वापस डेंसर मीडियम में लौट आई है, पूरी तरह से इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, इसलिए इसी को कहा जाता है क्या, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टी आई आर अकर होगा उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, टी आई आर के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या कंडीशन है टी आई आर के लिए, फर्स्ट रे किधर जानी चाहिए, रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये आईसी क्या है यहां पर, आईसी ये क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जिस एंगल पर क्या चालू हो जाता है, ग्रेजिंग चालू हो जाता है, मतलब रे ग्रेज करने लग जाती है, उस एंगल को कहा जाता है क्रिटिकल एंगल। क्लियर है। नेक्स्ट, यहां पर जो क्रिटिकल एंगल है उसका उसका रिलेशन है वो आप ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल का रिलेशन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है, देखिए सी को क्रिटिकल एंगल लिखा है, ये होता है साइन इनवर्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेडर मीडियम टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, या यदि वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्रिटिकल एंगल होता है साइन इनवर्स वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम टू वेलोसिटी इन रेडर मीडियम, और यदि वेवलेंथ के फॉर्म में लिखेंगे तो साइन इनवर्स वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम टू वेवलेंथ इन रेडर मीडियम, ये ध्यान रखिएगा। पॉइंट हम देखते हैं रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म। इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ और भी बात बताना चाहूंगा, टी आई आर के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। टी आई आर का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है क्या, मिराज क्या होता है, मिराज होता है कि गर्मी के दिनों में हमें हमसे आगे पानी के सोर्स होने का आभास होता है, उसी को कहा जाता है मिराज, और ये रेगिस्तानों में ज्यादा दिखाई देता है, वहां पर तो काफी डेंजरस हो जाता है क्योंकि जो वहां पर जो चलने वाले हैं पैसेंजर है, मान लो जो भी है, ठीक है ना, रागीर, तो वो क्या है कि इस तरीके से रास्ता भटक सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में वहां पर पानी होता नहीं है, वहां पर किसी बड़े ऑब्जेक्ट का टी आई आर की वजह से इमेज बन जाता है और वो इमेज पानी के सोर्स का हमें आभास कराते रहता है और इस तरह हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं। तो रेगिस्तानों में टी आई आर काफी खतरनाक हो जाता है, मिराज काफी खतरनाक हो जाता है। टी आई आर का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर लाइट सिग्नल्स भेजने का काम करता है, लाइट सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है इसका टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें मेन पार्ट कौन से होते हैं, एक पार्ट होता है कोर, दूसरा पार्ट क्या होता है क्लेडिंग, और तीसरा पार्ट क्या होता है जैकेट, मेनली कोर और क्लेडिंग होता है। तो देख, याद रखना कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग। तो जब कोई रे किसी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्लेडिंग और कोर के बीच इस प्रकार से एंटर करती है एक डेफिनेट एंगल पर, तो होता क्या है, देख ये जो है ना ये है क्लेडिंग और ये है कोर। तो होगा क्या कि जब आप किसी लाइट रे को एक डेफिनेट एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होगा कि रे टी आई आर हो जाएगा, क्लेडिंग में जाएगी नहीं, वापस कोर में आएगी। फिर यहाँ पर भी सेम फिनोमिना करोगा, इस तरह रे बार बार टी आई आर होता रहेगा और रे इस तरह टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होते और बाहर की तरफ आगे पहुंच जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम कहाँ करते हैं, हाई स्पीड इंटरनेट में करते हैं, एंडोस्कोपी में लाइट पाइप के तौर पर भी किया जाता है। इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो ध्यान रखना कि म्यू कोर इज ग्रेटर देन म्यू क्लेडिंग।
देख नेक्स्ट आता है रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म। अब पहले प्रिज्म कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लेंस को देखेंगे। तो रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म में बस आपको इतना सा देखना है कि जब कोई रे एक ग्लास स्लैब में और प्रिज्म में क्या अंतर है। ग्लास स्लैब पर क्या नहीं होता, ग्लास स्लैब पर रे डेविएट नहीं होती, तो वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन जीरो रहता है और इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर जब कोई रे इंसिडेंट होती है, आप देखिए ये इंसिडेंट रे है, आई एंगल पर इंसिडेंट होती है, मान लो ये ग्लास है, डेंसर मीडियम है, और ये इधर एयर है, रेयर मीडियम, तो रे रिफ्रेक्ट हो गई आर एंगल पर, मान लेते हैं आर वन एंगल पर, और इधर आगे आर टू एंगल पर दूसरे सरफेस पर पहुंचती है, और यहां से रे इमर्ज हो जाती है। इतना एंगल बनाकर ई एंगल बनाकर, ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। यदि आप इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ एक एंगल बनता है जिसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो ध्यान रखना कि इधर जो रिलेशन है कुछ वो ध्यान रखना, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल। यहाँ पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ए प्रिज्म एंगल है जिसे रिफ्लेक्टिंग एंगल भी कहा जाता है, और डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक, और याद रखना एक और रिलेशन होता है कि आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है, डेविएशन होता है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल, और डेविएशन नॉन जीरो होता है यहाँ पर। क्लियर, प्रिज्म के केस में डेविएशन एंगल मिनिमम हो सकता है लेकिन जीरो कभी भी नहीं होता है। ठीक, और अब यहाँ पर जो डेविएशन है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर मैं डेल ले लेता हूँ और इधर मैं आई, तो ग्राफ कैसा बनता है इस प्रकार का। ये रिप्रेजेंट करता है कि शुरुआत में आई बढ़ने पर डेल की वैल्यू घटती है, और जब आई ई के बराबर हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाता है, तो डेल क्या हो जाता है, मिनिमम, डेल मिनिमम वैल्यू अक्वायर करता है जिसे डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी आई यदि बढ़ाया जाए तो डेल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ओके, इसके अलावा आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर एक फॉर्मूला है, प्रिज्म फॉर्मूला। प्रिज्म फॉर्मूला क्या कहता है, साइन डीएम प्लस ए बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ध्यान रखना कि मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई बराबर हो जाता है, आर वन आर टू इक्वल हो जाते हैं, और आर वन आर टू इक्वल हो जाते हैं, और जो रे है प्रिज्म के अंदर जो रे है वो बेस के पैरेलल चलने लग जाती है। ये देखिए वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस आई। क्लियर, ये रहे प्रिज्म फॉर्मूला। और देखिए यदि ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री है, यानी प्रिज्म एंगल यदि लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री है, तब प्रिज्म फॉर्मूला को हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, म्यू माइनस वन इंटू ए। यहाँ पे एन क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट में क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट गुजरती है तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर में डिवाइड हो जाती है, इसी को कहा जाता है डिस्पर्जन। ठीक, ये देखिए जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो ये अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसी को कहा जाता है डिस्पर्जन। विबग्योर, ये बीच के सारे कलर्स होते हैं विबग्योर ऑर्डर में। और ध्यान रखना कि जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका डेविएशन कम होगा, वो कम बेंड होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और डेविएशन ज्यादा होगा तो इसीलिए विबग्योर का डेविएशन ज्यादा होता है, ये देख सकते हैं। क्लियर है, रेड का डेविएशन कम होता है इसलिए वो ऊपर की तरफ होती है। यहाँ पर रेड और वायलेट के डेविएशन एंगल का डिफरेंस ले लेंगे तो मिलेगा एंगुलर डिस्पर्जन, उसे क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। बेटा ये तो एक रिवीजन क्लास ही बन के रह गई अब तो, क्योंकि
टाइम इतना कम है कि अपने को रिवीजन ही एक प्रकार से मैं दिखा पा रहा हूँ। इसके अलावा एक क्वांटिटी है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या चीज होती है? डिस्पर्सिव पावर होता है कि यदि एंगुलर डिस्पर्जन यानी कि डेल वी माइनस डेल आर को यदि येलो कलर के डेविएशन एंगल से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्पर्सिव पावर। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं? डेल इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं सभी के लिए। ये फॉर्मूला तब काम में लेना है जब प्रिज्म एंगल की वैल्यू 10 डिग्री से कम या उसके बराबर हो तब। ठीक है, स्मॉल एंगल आ जाता है उस सिचुएशन को। बात करते हैं अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बेटा। देख, रिफ्रेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस मतलब कि यह है कि जैसे ये ऐसा सरफेस है, ठीक है, यहां पर जब कोई रे एंटर करती है किसी ऑब्जेक्ट से निकलकर तो कहीं इमेज बनाती है। स्फेरिकल है तो इसकी अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगी। मान ले इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, इमेज डिस्टेंस है वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू। जहां ऑब्जेक्ट है वहां रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, जहां पर इमेज बन रही है वहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। तो एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है वो ध्यान रखना। रिलेशन होता है म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये फॉर्मूला आप जरूर से ध्यान रखना। इसमें आप साइन कन्वेंशन आपको यूज करने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन कुछ नहीं, बस लेफ्ट को आप लेना माइनस और राइट को आप क्या लेना प्लस। राइट में जो डिस्टेंसेज है उन्हें आप प्लस ले लेना, लेफ्ट में जो है उन्हें माइनस ले लेना। आप कहेंगे कि सर क्या हमेशा ये चीज लागू होती है? नहीं, लेकिन ज्यादातर कंडीशंस में ये काम कर जाएगा। तो इसलिए आप अभी के लिए यही साइन कन्वेंशन यूज करके चलना। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा कि लेंस मेकर फॉर्मूला। देख, दो फॉर्मूला है, एक मिरर फॉर्मूला होता है, एक लेंस फॉर्मूला होता है, एक लेंस मेकर फॉर्मूला। तीन हो गए। तो लेंस फॉर्मूला तो होता है 1/V - 1/U = 1/F, और लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? 1/F = μ - 1 × 1/R1 - 1/R2। तो ये ध्यान रखना, लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/V - 1/U = 1/F, और लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/F = μ2/μ1 - 1। देखिए इसका सिचुएशन है, जैसे ये कोई लेंस है, इधर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, इधर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, और यहाँ पर है म्यू टू। इसके फर्स्ट सरफेस का रेडियस है आर वन, सेकेंड सरफेस का रेडियस है आर टू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू और इमेज डिस्टेंस है वी, फोकल लेंथ इसका एफ है। और तब अपन ये फॉर्मूला लिखते हैं 1/F = रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई लेंस, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम -1 × 1/R1 - 1/R2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, काफी यूजफुल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ टॉपिक्स आते हैं, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आते हैं। एक होता है पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस? होता है पावर ऑफ लेंस होता है 1/F, P = 1/F, और यदि F को मीटर में लिख रहे हो तब तो पावर को डायरेक्टर में लिखोगे, ठीक है, और यदि आप F को सेंटीमीटर में लिख रहे हो तब आप 100/F करके फिर डायरेक्टर में लिखोगे। क्लियर है? ये बात भूलना नहीं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जैसे कि ये दो लेंसेज कॉन्टेक्ट में है, ये दोनों लेंसेज कॉन्टेक्ट में है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन की टोटल पावर है वो लेंसेज दोनों लेंसेज की पावर्स के सम के बराबर होगी, P = P1 + P2, और जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो आएगी 1/F1 + 1/F2 करके। क्लियर? यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और भी चीज पूछी जा सकती है, उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। एक न्यूटन फॉर्मूला है, वो भी दिमाग में रखिए। न्यूटन फॉर्मूला क्या है? देख, यू और वी तो हम कहाँ से मेजर करते हैं? यू और वी तो हम मेजर करते हैं इन जनरल ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन यदि फोकस पॉइंट से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस मेजर करी जाए तो जैसे वो मान लो x1 है और इमेज की डिस्टेंस है x2, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है F = √x1 × x2। न्यूटन फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, जवाब देंगे। एक होता है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस से भी पहले आपको एक और चीज पढ़नी चाहिए, एक ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, बहुत खास है। मतलब कटिंग, पहले तो हम लिखेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस।
इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में हम क्या लिखते हैं कि आर वन और आर टू क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं। आर वन आर टू इक्वल है, लेकिन साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। तो आर वन को यदि मैंने प्लस आर लिया और आर टू को यदि मैंने माइनस आर लिया, जो कि लेना भी होता है, तो हम लिखेंगे वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू। मान लो सराउंडिंग मीडियम एयर है तो म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन आर माइनस माइनस वन अपॉन आर, तो ये हो जाएगा टू बाय आर। तो यहाँ से एफ की एफ का वैल्यू क्या बनेगा, आर अपॉन टू म्यू माइनस वन। ये किसके लिए है, और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। यदि कॉनकेव लेंस होता, इक्वी कॉनकेव लेंस होता, तब क्या करते, इक्वी कॉनकेव लेंस। तो इक्वी कॉनकेव लेंस के लिए भी आर वन आर टू इक्वल होंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, माइनस आर अपॉन टू म्यू माइनस वन आ जाता है, इतना सा चेंज आता है। ठीक, एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के केस में उसका एक जो सरफेस है, उसका रेडियस एक सरफेस का, वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यदि इनफाइनाइट होगा ना, तो एफ जो है ना वो आ जाता है आर अपॉन म्यू माइनस वन, दैट्स इट, बस इतना सा चेंज आता है। ठीक है, यहीं पर एक टर्म आती है कटिंग ऑफ लेंस, यहीं पर एक टर्म आती है कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस। तो यदि आप एक लेंस को दो हिस्सों में कट कर देते हो, इक्वल हिस्सों में, तो एक मान लो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, कैसा लेंस था ये, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, और इसको दो बराबर भागों में आपने यूं बांट दिया, तो जब आप इस तरह से कट करते ना, तो आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिलता है। और इसकी जो नई फोकल लेंथ है वो पहले से क्या रहती है, डबल होती है, ये बात आप ध्यान रखना। हाँ, यदि आप लेंसेज को यूं कट करते हैं, आप लेंसेज को इस तरह से कट करते हैं, तो इससे फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यदि ये दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स है, इनको आप अभी के अभी यूं के जोड़ दोगे तो एफ आएगा, और आपने यदि इनको इस तरह से भी कनेक्ट कर दिया ना, तो भी फोकल लेंथ उतनी आ जाएगी, वापस एफ ही आ जाएगी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा बेटा। अब देखिए सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस में आपको क्या देखना है कि जैसे ये सिल्वरिंग ऑफ लेंस की सिचुएशन ऐसी है, जैसे ये लेंस है और आपने इसमें क्या कर दिया कि ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से कोई रे निकलेगी, यहां से कोई रे निकली और आपने इधर सिल्वर किया, देखिए ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, यहां पर इंसिडेंट होगी, ठीक, और ये मिरर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, तो ये लो, और ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर इधर पहुंचेगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप सिल्वर कर देते हो, तो यहां पर एक इन रिजल्ट आपने को क्या मिलेगा, ओवरऑल आपने को मिरर मिलता है, ओवरऑल क्या मिलेगा, मिरर, ये बात आप ध्यान रखें, ओवरऑल मिरर मिलता है। और इस केस में इक्विवेलेंट जो पावर होती है वो लिखी जाएगी, देख रिफ्लेक्शन हो रहा है दो बार, तो हम लिखेंगे 2PL, और जो मिरर यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है दो बार, रिफ्लेक्शन हो रहा है एक बार, तो 2PL प्लस PM, मिरर का पावर, ठीक है, फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन f इक्वल्स टू 2 अपॉन FL और माइनस 1 अपॉन FM। ध्यान रखना है ये भी मिरर ही बना है, ये मिरर की फोकल लेंथ बनी, क्लियर है। एक होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है हमारे पास, देख ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो प्रकार के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं, एक देखते हैं माइक्रोस्कोप, एक देखते हैं टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है, और टेलीस्कोप लार्जर ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है। जैसा कि हमें पता है कि जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लार्जर हैं लेकिन फार अवे हैं, तो उनका जो विजुअल एंगल है ना वो छोटा बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो टेलीस्कोप क्या करता है, वो फार ऑब्जेक्ट्स को पास इमेज बना देता है, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट्स के इमेज को क्या ले आता है, पास ले आता है, उससे हमें वापस से मैग्नीफाइड इमेज दिखती है। लेकिन माइक्रोस्कोप बेसिकली इमेज को मैग्नीफाई ही करता है, टेलीस्कोप पास लाता है
और माइक्रोस्कोप इमेज को क्या करता है, मैग्नीफाई ही करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है और मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, ध्यान रखना यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है डी अपॉन यू होता है, ठीक है। और जब डी पर इमेज बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तब एम का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ, और यदि इमेज इंफिनिटी बने तो एम का यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है डी अपॉन एफ। ये लीनियर नहीं, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है बेटा, क्लियर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि देखिए कि वहां पर यदि फाइनल इमेज डी पर बनेगी तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहेगा माइनस वी नोट अपॉन यू नोट इंटू वन प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। और टोटल लेंथ क्या होगी, वो होगी वी नोट प्लस यू ई। और यदि इन्फिनिटी पर इमेज बनती है तो फॉर्मूला रहेगा माइनस वी ओ अपॉन यू इंटू डी अपॉन एफ ई, और एल क्या हो जाएगा वी ओ प्लस एफ ई। मतलब क्या है वो आप देखिएगा कि जैसे यहाँ पर इसमें क्या होता है, दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और फिर एक लार्जर ऑब्जेक्ट होता है, लार्जर लेंस होता है, उसे आईपीस कहते हैं, ठीक है। ये मान ले ऑब्जेक्ट है, यहाँ से दो रेज निकालेंगे, एक मान लो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और दूसरी इस तरह से मान लो फोकस पॉइंट से पास होकर यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ बन गया एक इमेज ए डैश बी डैश। एक लेंस और आगे रखते हैं और यहाँ से अगेन रेज गिराते हैं और ये इस तरह से दूर की तरफ जाती है, इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो कहीं पर कट करती हुई अपीयर होती है, वहीं पर क्या बन जाता है, इमेज फॉर्म हो जाता है। ये होता है बी डबल डैश ए डबल डैश। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, इसको यू ओ कहा जाता है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है वी ओ, इस डिस्टेंस को कहा जाता है माइनस यू ई, ये माइनस में होता है, और ये जो लास्ट वाली डिस्टेंस है ये होती है माइनस वी ई, ये ध्यान रखना है इस प्रकार से, ठीक है। और एल क्या होता है, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस, तो एल बराबर लिखा जाएगा वी ओ वी ओ प्लस यू ई, मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं यू ई का, क्लियर। चलिए आगे देखना बेटा, एक टेलीस्कोप की हम बात करें, टेलीस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है, टेलीस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू ई, ओके। और यदि डी पर इमेज बने, डी पर इमेज बने तब फॉर्मूला आएगा एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस डी अपॉन एफ ई, और यदि इंफिनिटी पर इमेज बने जो कि यही इंपॉर्टेंट है एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई, और लेंथ होती है एफ नॉट प्लस एफ ई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना, क्यूब की लेंथ जो हमने लिखी है एफ ओ प्लस एफ ई। चलिए तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, देखिए मैंने रिवीजन ही किया है बस फॉर्मूला को, आपको आपके सामने एक बार रखा है कि ये टॉपिक्स आप एक बार देख लो, देखा जाए तो इतने कम टाइम में रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आई होप आपको कुछ चीजें रिवाइज हुई होंगी, ठीक है। अब इनके अब देखो एक बार रिवाइज कर लिया, अपन जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे, थ्योरी पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर और हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स। हालांकि आप देख सकते हैं कि मैंने काफी सारे क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम लिमिट है इसलिए अब अपने को आगे बढ़ना ही पड़ेगा बेटा, वरना मैंने क्वेश्चंस रखे थे बहुत सारे, ये क्वेश्चन करने के बाद आपके कंसेप्ट डेफिनेटली एनहेंस हो जाते, और हालांकि अभी भी रिवाइज तो हुआ ही होगा डेफिनेटली, आई होप सो। चलिए अब आ जाता है यहाँ के बाद अपना चैप्टर नया वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए बेटा वेव ऑप्टिक्स में हम क्या देखते हैं, लाइट के वेव बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइट क्या है इस बात पर डिस्कशन होता है, तो काफी साइंटिस्ट ने इसके लिए अपनी थ्योरी दी है, सबसे पहले जैसे न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जिसमें उन्होंने लाइट को स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना माना, ओके, और उन पार्टिकल्स को टाइनी पार्टिकल्स को क्या नाम दिया उन्होंने, कॉर्पस्कल्स, ठीक है। लेकिन वो थ्योरी ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करती थी, ओके, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करती थी, लेकिन बहुत ज्यादा बातें नहीं करती थी और उसके कुछ फॉल्ट्स भी थे। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में लाइट का जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम के अंदर ज्यादा माना गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। फिर बाद में हाइगेंस आते हैं, हाइगेंस क्या बोलते हैं, कुछ लोग इस हाइगेंस को अलग अलग प्रोनाउंसिएशन देते हैं, होगन्स हाइगेंस, ठीक है ना, तो हम हाइगेन बोलेंगे चलेगा, है ना।
तो हाइगेंस ने सबसे पहले लाइट के बारे में ज्यादा बेटर अप्रोच दी और उन्होंने बोला कि लाइट जो ना एक वेव है, लाइट एक वेव है और कैसी वेव है, लाइट एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है जो, और कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव। तो हाइगेन ने लाइट को मैकेनिकल वेव बोला, उसके पीछे उनका बस यही पॉइंट था कि क्योंकि उस टाइम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कवर ही नहीं हुई थी, तो उन्होंने साउंड के जैसा ही लाइट को माना और साउंड क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो लाइट भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव मानी गई, ठीक है, और क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है और साथ साथ मैकेनिकल वेव है, ठीक है, तो मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो फिर लाइट को ट्रेवल करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिएगा। तो बोला कि लाइट तो वैक्यूम में भी चलती है, सन से हमारे अर्थ तक लाइट पहुंचती है तो वो तो बिना एयर के भी ट्रेवल कर पा रही है, तो लाइट कैसे पहुंची हमारे तक। तो हाइगेन ने बोला कि एक इमेजिनरी मीडियम है ईथर जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, और ये ईथर हर जगह व्याप्त है, हर जगह प्रेजेंट है। तो हाइगेन ने जो थ्योरी दी थी मेनली उन पॉइंट्स को हम देखते हैं। हाइगेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज अ सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस फ्रॉम विच वेव्स आर एमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज एट गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड एज अ वेव फ्रंट। मतलब उनके अकॉर्डिंग, हाइगेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी सोर्स है तो क्या है, डिस्टरबेंस का सोर्स है बेसिकली। कोई भी लाइट सोर्स डिस्टरबेंस का सोर्स है, यानी वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और जब ये डिस्टरबेंस आगे मीडियम में ट्रेवल करता है तो मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, इन पार्टिकल्स का जो लोकस है, लोकस मतलब उन पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाला सरफेस है, उस सरफेस को क्या कहा जाता है, वेव फ्रंट, ठीक है। आप पानी में पत्थर डालो, पानी में पत्थर डालते ही पत्थर के चारों तरफ आपको क्या दिखेंगे, सर्कल सर्कल बनते दिखेंगे, वो सर्कल्स ही क्या कहलाएंगे, वेव फ्रंट्स कहलाएंगे, ठीक है। फर्स्ट तो डेफिनेशन आती है वेव फ्रंट की, सी वेव फ्रंट, इसको आप आगे भी देखेंगे, पहले पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, यानी कि वेव फ्रंट जो है वो क्या कैसे बना, वो लोकस है सेम फेज में वाइब्रेशन करने वाले पार्टिकल्स का, और वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया सोर्स होता है डिस्टरबेंस का, वो भी आगे वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है, और वो जो वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये वेवलेट्स स्फेरिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, और ये किस स्पीड से ट्रेवल करती है, लाइट के स्पीड से ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, ठीक। और यदि हम सेकेंडरी वेवलेट पर एक फॉरवर्ड एनवलप लगाएं तो इससे हमें किसी इंस्टेंट पर नए वेव फ्रंट की पोजीशन आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। होमोजीनियस मीडियम के अंदर वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब क्या है वो देखिए डायग्राम में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरली सब कुछ दिखाई दे जाएगा। देखो इस तरह से है ये कहानी, जैसे ये सोर्स है, ठीक है, ऐसे मान लो यहां पर सोर्स, ठीक। अब यहां से वेवलेट्स एमिट हुई, यानी कि डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, और ये डिस्टरबेंस इन पार्टिकल्स पर पहुंचा, तो जो पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं उन पार्टिकल्स का यदि मैं लोकस बना दूं, लोकस, ठीक है, तो इस लोकस को क्या कहूंगा मैं, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ये है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या है, सेकेंडरी सोर्स है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है, वो भी आगे वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है। तो यहां से वेवलेट्स प्रोड्यूस हो रही है, और सेकेंडरी वेवलेट्स के का जो एनवलप है, सेकेंडरी वेवलेट्स, देखो ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, ठीक है, स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट्स है, और सेकेंडरी वेवलेट्स पर जो एनवलप हम बनाएंगे, ये वाला एनवलप मैंने बनाया, ये एनवलप हमें पोजीशन देगा किसकी, सेकेंडरी वेव फ्रंट की पोजीशन देगा, क्लियर है। देखिए लाइट का प्रोपोगेशन बैकवर्ड भी दिखाएगा इस हिसाब से, तो पीछे की तरफ भी अपने को एनवलप प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने
थ्योरी दी थी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कोस थीटा। थीटा क्या है? वेवलेट और लाइट के लाइट रे के डायरेक्शन के बीच का एंगल। तो उन्होंने ये प्रूव किया था कि इंटेंसिटी जो है इधर जीरो रहती है, यानी कि पीछे की तरफ लाइट प्रोपगेट नहीं करती है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि यदि आप होमोजीनियस मीडियम में किसी वेव फ्रंट पर कोई परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो तो ये लाइन जो है ये क्या कहलाती है? लाइट रे कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाती है? लाइट रे कहलाती है। और ये लाइट के प्रोपगेशन को यानी एनर्जी प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, अब ध्यान रखना टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तीन टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। एक होता है स्फेरिकल। यदि पॉइंट सोर्स है तो फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। एक होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। यदि लीनियर सोर्स है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। और यदि फार अवे कोई सोर्स है तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा वेव फ्रंट बनता है? प्लेन वेव फ्रंट बनता है। फार सोर्स से यानी डिस्टेंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा वेव फ्रंट बनता है? प्लेन वेव फ्रंट बनता है, जैसे कि ये दिखाया है, प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर? देखिए, इसके अलावा वेव फ्रंट का बिहेवियर किस प्रकार से होता है वो भी आप देखना होगा। वेव फ्रंट किस तरह से बिहेव करता है? तो यदि हम एक कॉन्वेक्स लेंस रखें और उस पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराएं तो वेव फ्रंट किस प्रकार से निकलेगा? ऐसा। देखिए, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये इमरजेंट वेव फ्रंट। यदि कॉनकेव लेंस हम कॉनकेव लेंस पर वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराएंगे तो इस प्रकार से एमिट होगा। ठीक है, तो ये भी देख लेना कि बिहेवियर ऑफ प्लेन वेव फ्रंट किस प्रकार से होगा। हमेशा ध्यान रखना कि लाइट रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। देखिए, अब नेक्स्ट टर्म आती है कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स। तो देखिए, मान लो ये दो सोर्स है P और Q। ये P है और ये Q है। यहां से वेव्स एमिट हो रही है। ठीक, वेव्स एमिट हो रही हैं। यदि किसी इंस्टेंट पर इनके बीच फेज डिफरेंस मान ले फाई वन है और अगले इंस्टेंट पर भी फेज डिफरेंस फाई टू है, किसी और इंस्टेंट पर भी फेज डिफरेंस फाई वन ही है, फाई टू नहीं, फाई वन ही है, तो हम कहेंगे कि फेज डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टेंट है। इनके बीच वेव्स के बीच फेज डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टेंट है इन वेव्स के बीच, जो कि पी और क्यू से प्रोड्यूस हो रही है। तो यदि किन्हीं दो सोर्सेज से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस टाइम के साथ कॉन्स्टेंट रहे तो हम कहेंगे कि ये सोर्सेज ये कोहेरेंट सोर्सेज है। ठीक है, कैसे सोर्सेज है? कोहेरेंट सोर्सेज है। टू सोर्सेज आर कोहेरेंट इफ एंड ओनली इफ They produce waves of same frequency and have a constant initial phase difference. दो waves, दो sources जब coherent होंगे, यदि और केवल यदि उनकी frequency constant है और साथ ही साथ उनका phase difference जो है time के साथ constant बना रह रहा है, time change होने पर phase difference में change नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो sources है ये coherent source है। इनकोहेरेंट होंगे जहां पर फेज डिफरेंस टाइम के साथ वेरी करता है। और देखिएगा कि कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होते हैं, बेसिकली इनकोहेरेंट ही होते हैं। और कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इसके लिए दो मेथड यूज होते हैं, एक होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एक होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, अब आती है बारी हमारे सामने इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो देख कोई भी लाइट वेव को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वाई वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, दूसरी कोई वेव है जिसके लिए हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, फाइव फेज डिफरेंस है। तो नेट वेव क्या होगी? होगी ए वन साइन
ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स एन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो यदि ये रिजल्टेंट कोई वेव है तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें पता होना चाहिए। रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सुपर इम्पोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर सम प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। क्लियर है। और इसी तरह से इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है रिजल्टेंट वेव के लिए, वो लिखा जाएगा के इंटू आर स्क्वायर, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट लेकर आ जाते हैं और यहाँ से इंटेंसिटी का एक इक्वेशन बनता है हमारे सामने, क्या वो बनता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस आई वन आई टू कॉस फाइव। ये ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर कुछ केसेज हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या होता है कि टाइम के साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है, सॉरी टाइम के साथ नहीं, पोजीशन के साथ कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। इसी फिनोमेना को कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ध्यान रखना फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, 2 पाई एन होना चाहिए, ठीक है, और पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n plus 1 into pi, या पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n plus 1 lambda by 2। ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम होती है। ये देख लो यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई है हमने, ठीक, देख लो बेटा। तो देख रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर कोहेरेंट सोर्सेज, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला आई वन प्लस आई टू प्लस रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ठीक है। फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेज, इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए डायरेक्टली इंटेंसिटी ऐड हो जाती है, ठीक है। और इंटेंसिटी देखिए इसके अलावा जो आई मैक्स, ध्यान रखना इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वो होता है ए वन प्लस ए टू, और मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो होता है ए वन माइनस ए टू। इस तरह से ये एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, मैक्सिमम, ये सब ध्यान रखना बहुत ही खास है। आई मैक्सिमम इस तरह से लिखा जा सकता है, और यदि रेशियो लेते हैं तो कॉन्स्टेंट हट जाएगा और ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो कि देखिए इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट है यंग, थॉमस यंग, उन्होंने सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि इसमें क्या किया गया, एक पॉइंट सोर्स के आगे एक कार्डबोर्ड रखकर और उसमें दो होल बनाए गए, उसमें दो होल बनाए गए, ठीक है, और उन होल्स के थ्रू लाइट को गुजारा गया इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है, और आगे स्क्रीन रखी गई, ठीक। तो जब यहां पर लाइट इंसिडेंट हुई, जब यहां पर लाइट इंसिडेंट हुई तो यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट हुई और सेकेंडरी वेवलेट्स का यहां पर सुपर इंपोजिशन हुआ इस तरह से, और उसकी वजह से यहां पर स्क्रीन पर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज ऑब्टेन हुई, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन हुई, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन हुई। तो ये जो पैटर्न दिखाई दिया स्क्रीन पर, इसी पैटर्न को इंटरफेरेंस पैटर्न कहा गया। और यहां से कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक तो फ्रिंज विड्थ पूछी जाती है, दूसरा किस, ये सेंट्रल पॉइंट होता है, इससे 2
कुछ डिस्टेंस पर, मान लो एक्स डिस्टेंस पर कोई एनथ फ्रिंज बन रही है तो उसकी डिस्टेंस भी पूछी जाती है। तो फॉर्मूले क्या है वो आप लोग देख लेना बेटा। जैसे जैसे कि देखिए डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, फॉर्मूला ध्यान रखना, बस फॉर्मूला ध्यान रखना। डिस्टेंस ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज वो होता है एन लैम्डा बाय डी, पाथ डिफरेंस क्या होता है एन लैम्डा, ठीक है, पाथ डिफरेंस ये वाली टर्म है, ये पाथ डिफरेंस। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ एनथ डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, टू एन, एन की बजाय टू एन, टू एम लिया है तो टू एम प्लस वन लैम्डा डी अपॉन टू डी, ये डिस्टेंस याद रखना, पाथ डिफरेंस यहाँ पे रहेगा टू एम प्लस वन लैम्डा बाय टू। देखिए नेक्स्ट इसमें एक क्वांटिटी और आती है, वो जो है फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ होती है कि जैसे फ्रिंज पैटर्न में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं तो फ्रिंज विड्थ होती है, और उसका फॉर्मूला है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। याद रखना कि वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, जैसे कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है वायलेट से, ध्यान रखना रेड कलर के लिए जो फ्रिंज विड्थ है वो भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी वायलेट कलर की बजाय, क्लियर है। इसी तरह से डी ज्यादा रखोगे तो भी फ्रिंज विड्थ ज्यादा रहेगी, और स्मॉल डी को कम रखोगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी, क्लियर, ये बात ध्यान रखना। एक डेंसर मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ जो है वो कम हो जाती है, डेंसर मीडियम के इनवर्सली मतलब म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए डेंसर मीडियम के अंदर फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्लियर, ये ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्रेक्शन, डायरेक्शन लिखा है थोड़ा सा इस आज की जो क्लास है ना बेटा, थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव हो सकती थी और ज्यादा टाइम दिया जा सकता था, लेकिन एज यू कैन सी मैं क्लास को क्लास के लेवल एक पैटर्न में रखकर ही चल रहा हूँ। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट जब किसी शार्प अपर्चर पर शार्प कॉर्नर ऑफ अपर्चर पर इंसिडेंट होती है तो कॉर्नर से टकरा कर लाइट क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है, लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग ऑन शार्प कॉर्नर ऑफ अपर्चर को कहते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि जो ऑब्स्टिकल अपर्चर या ऑब्स्टिकल का जो साइज है वो लैम्डा के ऑर्डर का होना चाहिए, लाइट के या वेव के वेवलेंथ का ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक। और डिफ्रेक्शन जो है दो टाइप का होता है, फ्रेनल डिफ्रेक्शन, फ्रॉनोफर डिफ्रेक्शन। फ्रेनल डिफ्रेक्शन में सोर्स और एक सिंगल स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है, स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होता है, फ्रॉनोफर डिफ्रेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंसेज होती है। क्लियर पैटर्न पाने के लिए जो डिस्टेंसेज है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, और फ्रॉनोफर डिफ्रेक्शन में क्लियर पैटर्न अपने को दिखाई देता है जो कि हमें देखना है। तो फ्रॉनोफर डिफ्रेक्शन में कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पर भी नया स्पेक्ट्रम यहाँ पर भी डिफ्रेक्शन पैटर्न मिलता है। डिफ्रेक्शन पैटर्न इस तरह होता है कि सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट, सेंट्रल फ्रिंज जो है वो हमेशा कैसी दिखाई देती है, वो हमेशा ब्राइट और मैक्सिमम वाइड दिखाई देती है, और उसके दोनों तरफ सेकेंडरी मिनिमम मैक्सिमम बनते हैं, ध्यान रखना। ध्यान रखना कि मिनिमा के लिए ए साइन थीटा, पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा होता है, अभी हमने देखा था ए साइन थीटा एन लैम्डा होगा, और मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू होगा। जो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल ए होता है, और एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम होता है टू लैम्डा अपॉन ए। देखिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक तो ये आप देखिएगा कि जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है वो इस प्रकार का है, इसे कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमा, इसे कहा जाता है सेकेंडरी मैक्सिमा, इस पॉइंट को कहा जाता है सेकेंडरी मिनिमा, क्लियर है। तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए अच्छा आप देखिएगा कि ये मान ले सिंगल स्लिट है, ये मान ले सिंगल स्लिट है, और यहाँ पर कोई रेज इंसिडेंट हो रही है और स्क्रीन पर वो मीट करेंगे, ठीक। स्लिट की जो विड्थ है वो है कितनी, ए है, स्लिट की विड्थ क्या है, ए है, और डिफ्रेक्शन एंगल कितना है, डिफ्रेक्शन एंगल है मान ले, डिफ्रेक्शन एंगल है थीटा, डिफ्रेक्शन एंगल कितना है थीटा है, तो ए और ये
डिस्टेंस है कैपिटल डी। तो ध्यान रखना वेवलेंथ लैम्डा है, डी डिस्टेंस है और ए स्लिट का साइज है और थीटा डिफ्रेक्शन एंगल है। तब फॉर्मूले क्या रहेंगे, मिनिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, मैक्सिमा के लिए सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए ए साइन थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, और लीनियर विड्थ के लिए सेंट्रल मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ होगी टू लैम्डा डी बाई अपॉन ए और एंगुलर विड्थ होगी टू लैम्डा अपॉन ए। क्लियर। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन में होता है कि जब लाइट को खास क्रिस्टल्स में से गुजारा जाता है, ठीक है, खास क्रिस्टल्स में से गुजारा जाता है और यदि उन क्रिस्टल्स के को रोटेट कराते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज अपने को दिखाई देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है, देखिए सुनिए, दो टाइप की लाइट होती है, एक होती पोलराइज लाइट एक होती अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी ऑसिलेशन होते हैं ऑल डायरेक्शंस में, लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में सारे ऑसिलेशन होते हैं, ठीक है। और पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो वाइब्रेशन है उन्हें उनको हम कन्फाइन कर देते हैं एक सिंगल डायरेक्शन में। तो कन्फाइन करना इन सिंगल डायरेक्शन, उसी को कहा जाता है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन में दो डायरेक्शन मिलती है, या तो परपेंडिकुलर या तो पैरेलल। देखिएगा कि पोलराइजेशन में कुछ लॉज हैं, एक है ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ ये कहता है कि जब कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास पर गिरती है तो उसका पार्शियली रिफ्लेक्शन पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है, और ये दोनों लाइट ही आपस में क्या होती है, ये दोनों लाइट ही पोलराइज हो जाती है, पार्शियली पोलराइज होती है। एक एक ये वाली रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर एंगल के बराबर है, ठीक है ना, पोलराइजेशन एंगल के बराबर है, तो रिफ्लेक्टेड रे पूरी तरह पोलराइज हो जाएगी, फुली या कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। और ब्रूस्टर लॉ ये कहता है कि जो थीटा भी है इसके साथ यदि मैं टेन यदि यूज करूं, टेन ऑफ थीटा पी, वो इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। तो म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा पी, ये बात अब ध्यान रखना, इस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है। एक तो ब्रूस्टर एंगल है, देखो समझो बात को, थोड़ा सा टाइम लेते हैं इसमें, इतना ही टाइम लेंगे। देखिए जैसे कि ये मान ले हम देख रहे हैं ब्रूस्टर लॉ, तो चलो हमने ब्रूस्टर लॉ में तो क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है और यहां पर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई है, और पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई, ब्रूस्टर ये कहते हैं कि यदि कोई रे किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के साथ साथ वो पार्शियली पोलराइज भी हो जाती है, पार्शियली पोलराइज भी हो जाती है। पोलराइज होना है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो एक डायरेक्शन में कन्फाइंड हो जाते हैं, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक कन्फाइंड हो जाते हैं, पोलराइज्ड, ठीक है। अब यदि यदि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस एक फिक्स कर दो ब्रूस्टर एंगल के बराबर, तो जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाती है, वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। ब्रूस्टर लॉ क्या कहते हैं, यदि आपने एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रे को इंसिडेंट कराया तो जो रे पार्शियली पोलराइज हो रही थी, पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे, वो अब क्या हो जाती है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाती, फुली पोलराइज, क्लियर है, कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, ठीक। तो यहां पर ब्रूस्टर ये कहते हैं कि ये जो म्यू है
ट्रांसपेरेंट मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो टेन इंटू टेन थीटा पी के बराबर होता है, इंटू नहीं, ठीक है, न्यू इक्वल्स टू टेन थीटा पी। नेक्स्ट और इसमें लास्ट पॉइंट आता है बेटा, लास्ट पॉइंट आता है मेलस लॉ। देख ये लास्ट पॉइंट है मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या है वो देखिएगा, मेलस लॉ होता क्या है, किसी लाइट को क्या करते हैं, हम सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, पोलराइज यूज करते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, इसको हम कहते हैं पोलराइजर, पोलराइजर, और इधर से लाइट इंसिडेंट कराई जाती है, ये होता है अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट ठीक है, इसकी इंटेंसिटी है मान ले आई नोट। तो जब पोलराइजर में से अनपोलराइज लाइट को निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ओसिलेशन एक डायरेक्शन में कन्फाइन हो जाते हैं, तो ये हो गई पोलराइज लाइट। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी आई नोट बाय टू हो जाती है, क्लियर, इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई आई नोट बाय टू। आगे होता है हमारे सामने क्या, आगे होता है हमारे सामने एक और पोलराइड जिसे रोटेट कराया जाता है, जिसे क्या किया जाता है, रोटेट कराया जाता है, और इसको हम कहते हैं एनालाइजर, एनालाइजर ठीक है। और एनालाइजर में से जो इंटेंसिटी निकलती है लाइट की, तो उसके लिए हमारे पास लो है। लो क्या है वो समझना, लो ये है कि इंटेंसिटी इमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा क्या है, तो पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो आई यानी इंटेंसिटी इमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा, और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो आई नोट आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये आप ध्यान रखें, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं वो आप देखना। कंडीशंस ये हैं कि थीटा के अलग अलग वैल्यू के लिए, यदि थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो है या 180 है, तो कोस जीरो या 180 के की वैल्यू माइनस वन, लेकिन यदि स्क्वायर करता हूं कोस जीरो की वैल्यू, कोस स्क्वायर जीरो की वैल्यू या कोस स्क्वायर 180 की वैल्यू, कितनी आ जाएगी वन, ठीक है। इसे कहा जाता है पैरेलल, पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट कहा जाता है। और पैरेलल अरेंजमेंट में आई जो है वो होता है मैक्सिमम, और वो होता है कितना, आई नोट के बराबर। और इसके लिए जो डायग्राम है वो ऐसा हम बनाते हैं, जो एक्सिस है वो आपस में क्या होती है, पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। इस अरेंजमेंट को कहा जाता है पैरेलल अरेंजमेंट, ये ध्यान रखें। लेकिन यदि मान लो ऐसा हो, सेकंड थीटा यदि 90 डिग्री हो, थीटा 90 पर कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है, कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो आई क्या हो जाता है जीरो, यानी कोई इंटेंसिटी एमिट नहीं हुई है। ये वाले एक्सिस इधर है और ये वाले एक्सिस ऐसा, तो ये बन जाता है, इसको बोलते हैं क्रॉस्ड अरेंजमेंट, क्रॉस्ड अरेंजमेंट इस तरह से, ठीक है डियर। तो देखिए, हालांकि आपको पता है, आप लोगों ने यदि यहां तक देखा है तो आप पाएंगे कि बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से मैंने जो मेन मेन पॉइंट थे वही आपके सामने रखे हैं। क्वेश्चन करने का तो टाइम ही नहीं मिल पाया आज की क्लास में, लेकिन लेकिन जैसे ही अपने को, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसी ड्यूरेशन में आप दो या तीन दिन में ही जैसे ही करके इन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिन्हें पूरा कराया जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। आई होप आपने आज की क्लास को समझा होगा, आज की क्लास आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एड करी होगी, ठीक है। और यदि आप यहाँ तक बने हुए हैं, इसके लिए आप लोग बहुत अच्छा काम किया आपने, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, इसी तरह से बने रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, ओके, गुड बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।